हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा और आज मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है और कुछ कंपनीज के लिए ये बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि WhatsApp ने फाइनली अपना वीडियो कॉलिंग फीचर रोल आउट कर दिया है। इसका बीटा वर्जन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए और साथ ही साथ ये विंडोज़ फ़ोन यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल है। अब iOS यूज़र्स यहाँ पे थोड़ा पीछे रह गए हैं क्योंकि ये फीचर iOS यूज़र्स के लिए थोड़ा लेट आएगा। अब कंपनीज और एप्लीकेशंस लाइक स्काइप, गूगल हैंगआउट और वाइबर के लिए ये बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इन जो एप्लीकेशन है, इनकी USP जो है वो है वीडियो कॉलिंग फीचर। अब WhatsApp ने भी ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, तो कोई क्यों अपने स्मार्टफोन में सिर्फ एक वीडियो कॉलिंग के लिए अलग एप्लीकेशन रखेगा। अब लोग तो रहे WhatsApp अनइंस्टॉल करने से, तो अनइंस्टॉल होंगी ये एप्लीकेशंस, इसलिए इनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक क्विक डेमो दिखाती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी WhatsApp एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं और इसके वीडियो कॉलिंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं। सो पहले जो मेरा WhatsApp का जो करंट वर्जन है वो चेक कर लेते हैं, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और उसमें आप देख सकते हैं इसे अबाउट में। तो मेरा जो करंट वर्जन है वो है 2.16.310। अब जो ये वीडियो कॉलिंग फीचर है इसके लिए ये वर्जन होना चाहिए 2.16.318। तो अब इसे हम प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ नीचे की साइड आप देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिकम अ बीटा टेस्टर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई एम इन पर और आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट का, और आप यहाँ पर साथ ही साथ इसका टाइटल देख पाएंगे, WhatsApp मैसेंजर बीटा। इसको आप अपडेट कर लेंगे। अब ये जो बीटा साइनअप प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लेगी, और हो सकता है कि आपका पहली बार में इंस्टॉल भी ना हो, आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि ये इश्यूज मैंने भी फेस किए थे। इसके लिए आपको कुछ ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपना वाईफाई रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट करिए, और अगर इनमें से भी कुछ काम नहीं कर रहा है तो आप सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है उसे फोर स्टॉप करके उसका कैशे क्लीन कर लीजिए। तो इतना सब करने के बाद आई एम श्योर आप इसे अपडेट कर पाएंगे। और अब अपडेट होने के बाद जो है मैं जो इसका वर्जन चेक करूँगी वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 2.16.318, यानी कि ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और अब आप वीडियो कॉलिंग फीचर यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए डेमो के लिए मैं कॉल कर लेती हूँ, और मैं कॉल करूँगी रितिका को। आप जब इस कॉलिंग बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल। तो डेफिनेटली हमें इसका वीडियो कॉल चेक करना है, तो मैंने वीडियो कॉल ऑप्शन चूज़ किया है। तो ये है वीडियो कॉलिंग का इंटरफेस, ये है डिस्कनेक्ट बटन, यहाँ से आप रियर और फ्रंट कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अगर आपका फ्रेंड कॉल नहीं पिक कर रहा है तो, और यहाँ से आप इसी यूज़र इंटरफेस पे वापस जा सकते हैं। ये ऑप्शन है ऑडियो म्यूट और अनम्यूट करने का। मैं रितिका को कॉल कर रही हूँ। अच्छा हाँ, इसके लिए एक चीज़ का ध्यान आपको ये भी रखना पड़ेगा, जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसकी भी WhatsApp एप्लीकेशन अपडेटेड होनी चाहिए सेम वर्जन पे। हाय रितिका। हाय, कैसे, आपने कब किया WhatsApp ये एप्लीकेशन अपना अपडेट? ये एप्लीकेशन मैंने अभी कुछ आज पहले ही अपडेट किया है, मैंने स्टार्टेड यूजिंग इट एज सून एज आई डाउनलोडेड इट। किसने बताया आपको इसके बारे में? ये मेरे कलीग है मिस्टर अमित। हाय अमित। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इसकी जो वॉइस क्लैरिटी है काफ़ी अच्छी है, और वीडियो, रितिका आपको मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड है? चलिए ठीक है रितिका, बाद में बात करती हूँ मैं आपसे, अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। बाय। अभी आपसे रेटिंग पूछेगा, तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, तो मैं इसे 5.4 रेटिंग देती हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस क्लैरिटी अभी भी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ आई जस्ट इन्जॉयड दिस फीचर। ये तो था एंड्रॉयड फ़ोन का डेमो, और मेरे पास यहाँ विंडोज़ फ़ोन भी है जिसकी ऐप का वर्जन है 2.16.264, और ये इसका अपडेटेड वर्जन है। मैंने इसमें भी WhatsApp अपडेट कर लिया है और इसमें वीडियो कॉलिंग फीचर मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ।
तो मैं यहाँ विंडोज़ फ़ोन में यहाँ से वीडियो कॉल कर पा रही हूँ, और इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट और रियर कैमरा के बीच में स्विच करने का। इसमें यहाँ पर एक ब्लूटूथ ऑप्शन भी है, आप यहाँ से म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ से आप कॉल डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर आप WhatsApp की ये फंक्शनैलिटी पहले से यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आपको अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं शिप्रा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।